सभी जी, आप मेरे हाथ से आज जंगल में पानी पी लीजिए। ए पानी आजे अपिया बाये सामी है। मैं तो पानी प्यास की मारे इस जमीन पर मुरझा कर गिर गया था, परंतु इतनी बड़ी जंगल में कौन हो सकता है जिसने मुझे पानी पिलाकर जीवन दान दिया। मैं उसी आवाज लगाता हूं, चाहे जो भी प्राणी होगा तो अवश्य मेरी आवाज को सुनते ही मेरे पास चलाए। कौन हो जिसने मुझे पानी पिलाकर होश मिलाए हो, वो मेरे सामने चले आओ। देखिए परदेसी जी, पानी मैं पिलाई थी आपको। क्या? हाँ। बिचारी, तुमने मुझे पानी पिलाया, परंतु तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। जो कि पानी पिलाकर मुझे जीवन दान दिया, किंतु महाराज बिचारी, आज तुमने एक उपकार तो हमारे ऊपर किए हो, एक उपकार तुम और कर दो। बोलिए परदेसी जी। बेचारी, सुबह का चला हुआ शाम होने के लिए जा रही है, यदि मैं इस वक्त इस जंगल से अपने महल की तरफ जाता हूं तो जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, मुझे खा जाएंगे, तो मैं अपने महल की ओर कभी नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि आज रात भर तुम अपने झोपड़ी में मुझे विश्राम करने के लिए जगह दो। परदेसी जी, मैं इस जंगल में झोपड़ी बना के रहती हूँ और इस जंगल के बाहर नगर बस्ती है, उधर से लोग आएंगे, देखेंगे तो क्या कहेंगे परदेसी जी। तो बेचारी, क्या मुझे विश्राम करने के लिए तुम्हारी झोपड़ी में जगह नहीं है? मुझे पानी पिलाकर हाउस में क्यों लाई? मरने देती तुम अपने झोपड़ी के निकट, तो आज ये दिन तो नहीं देखने के लिए पड़ता। इसलिए बिचारी,
यदि मैं जाऊंगा मैं इस जंगल में तो इस प्रायश्चित का हकदार तुम हो। बस रात भर की बात है, सुबह होते ही मैं अपने शहर की ओर चला जाऊंगा। ठीक है परदेसी जी, आप मेरी झोपड़ी में आराम कर सकती, चलिए जाओ। चलो बस रात भर की बात है, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। ठीक है परदेसी जी। अच्छा बात बेचारी है, क्यों नहीं बेचारी। Yeah।